So hey guys, welcome to our another video of Epson L3150. तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Epson L3150. तो आप देखते रहिए एंड नेक्स्ट प्रोसेसिंग के साथ मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसको फुल इंस्टॉलेशन कैसे करना है विदाउट इंस्टॉलेशनर एंड मतलब मुझे कितना प्राइस मिला है. मैं इसको पूरे एकदम क्या बोलते हैं इसको एकदम फ्लिपकार्ट में मैंने बुक किया था और परसों के मुझे ये डिलीवर कर दिया गया. एंड इसका जो क्वालिफिकेशन है गाइस बहुत ही स्मूथ है एंड बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ जाओगे कि इसे कैसे यूज करते हैं. तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग गुरु वॉल 2 में आपका सबका हार्दिक स्वागत किया जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. सो गाइस हियर इज द Epson L3150 इको टैंक. ये है प्रिंटर, ठीक है गाइस. तो इसका आप देख ही सकते हो, इसका जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह है ये सब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है. एंड इसमें ये चार कलर, चार तरह की इंक जो है, इंक जेट जो ये प्रिंटर है, ठीक है, इको टैंक वाला, इसमें आप सबको ये फर्स्ट इंक्स फ्री में दिया जाएगा, ठीक है. तो आपको देख ही सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक मिलेगा, एक ब्लू, पिंक और येलो मिलेगा, ठीक है. लेकिन गाइस ये आप ये मत समझना कि ये कलरिंग में यही सब है, इन सबको मिक्सिंग करके ये प्रिंटर अलग अलग कलर है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनबॉक्सिंग वीडियो. तो इस बॉक्स के अंडर मुझे क्या क्या मिला है, ठीक है. ये पूरी तरह से ओपन है क्योंकि मैंने इसको ओपन करके ही देखा था भाई, नेट का ज़माना है, बहुत कुछ है, ठीक है. तो ये रहा Epson का एक्सीड योर विजन, ठीक है, L3150 देख सकते हैं मॉडल नंबर, ठीक है. और यहाँ पे जो है गाइस ये वाईफाई इनेबल्ड है, ये वाईफाई इनबिल्ड है, ये कॉपी स्कैन कर सकता है, प्रिंट कर सकता है और जेरोक्स भी कर सकता है, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं गाइस. हियर इज द Epson L3150. तो ये जो है Epson का L3150 मॉडल है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका पावर बटन है, इसका वाईफाई बटन है और हाँ गाइस सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट का थोड़ा सा कनेक्शन है, मेरा रूम चेंज हो गया. तो ये है पावर बटन, ये वाईफाई बटन, ये मैनुअल बटन है और ये आपका सिर्फ जेरोक्स मतलब ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए, यह है कलरिंग के लिए और यह है रिफ्रेश बटन, ठीक है. और इरेज बटन भी इसे कह सकते हैं. तो गाइस इसका जो लुक है ये बहुत ही मैट फिनिशिंग कलर में आता है, ये पूरा ब्लैक है, मैंने ब्लैक में इसे लिया है. और इसका इसके साथ आपको मिल जाएगा एक ये पावर केबल तो नहीं है, ये प्रिंटर के साथ आपको जो लैपटॉप या मोबाइल में कलर करने के लिए OTG की तरह, ठीक है. और ये देखिए गाइस यहाँ पे आपको इंक डालना होगा, ये ब्लैक का, ये येलो का, ये जो दोनों है आपका यहाँ पे दिख जाएगा. और ये जो इंक डालने का इसका प्रोसेसिंग है गाइस बहुत ही अच्छा है, आपको इसको ऐसे ओपन करना है. एंड इसके बाद ये चार नोजल आएगा, ठीक है, ये चार नोजल आएगा. और आप जब ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला जो देख रहे हैं ये कलर्स वगैरह, इनका कैप को आप लोगों का खोल लेना पहले, ठीक है, खोल देना है. उसके बाद यहाँ पे जो ये नॉब्स है ये ऐसे ओपन करना है, चारों का एक साथ नहीं करना है, जिसको पहले डालना है. आप यहाँ पे आसानी से ब्लैक डाल सकते हैं, येलो, पिंक, ब्लू, आपका जो जो कलर है यहाँ पे आसानी से उसको नैप करके यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है. उसके बाद ये सिंपली से बंद कर देना है, ऐसे इसको लॉक कर देना है एंड इसको ऑफ कर देना है. प्रिंटर ऑटोमेटिकली ऐसे इंक लोडेड कर लेगा अपने आप, ठीक है. आपको जो यहाँ पे एक पेज ट्रे देखने के लिए मिल जाएगा ये पीछे में, इसको ऐसे ओपन करना है, ठीक है. यहाँ पे आपको ये पेज मिल जाएगा, ठीक है. और अब हम देखते हैं कि इसको प्रिंट कैसे करते हैं. तो चलिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैक पेपर ले लिया है, सॉरी वाइट पेपर A4 साइज़ का ले लिया है एंड इसको यहाँ से ऐसे इंस्टॉलेशन मतलब पहली बारी, ठीक है. और अगर आप पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप आपको थोड़ी देर ये टाइम लेगा, ठीक है, आपको थोड़ी देर ये मशीन टाइम लेगा ऑन होने में. तो चलिए मैं अभी इसको पावर प्लग में लगा रहा हूँ. तो इस तरीके से आप जब पहली बार इसको ओपन करेंगे यहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ब्लिंक हो रहा है ये पावर बटन, ठीक है. एंड प्रिंटर में कुछ थोड़ी देर तक कुछ आवाज़ आती रहेगी, वो नॉर्मल है, वो कॉमन व्यापार है, उसे घबराना मत. और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाईफाई राउटर और वाईफाई मोबाइल का नेटवर्क का जो लाइट्स है ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो आपको घबराना कुछ नहीं है, ये लाइट जब ऑफ हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंटर रेडी हो रहा है. कुछ देर तक आप फर्स्ट में जब ओपन करेंगे इसको तो कुछ देर तक ये रेडी होगा ही. तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसको प्रिंट कैसे करना है. सो गाइस हमारा फाइनली ये ब्लिंक करना बंद हो गया है एंड मैंने इसके अंदर एक पेपर दे दिया है. और इसको अगर पहले आप ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं तो पहले ये जो व्हाइट वाला बटन है ये 1, 2, 3, 4 ये चार नंबर जो बटन है इसको ऐसे, ठीक है. और उसके बाद देखिएगा ये लाइन तब तक ब्लिंक होना बंद नहीं करेगा जब तक ये प्रिंट पूरी तरह से नहीं आ जाता. आपको यहाँ पे एक ट्रे मिल जाएगा, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ब्लैक प्रिंट कर रहा है. और अगर ये पहली बार आपका प्रिंटर है तो यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी ये हीडिंग का प्रॉब्लम आने लगेगा, लेकिन बाद में ये एकदम ठीक हो जाएगा, मुझे कस्टमर केयर से ये पता चल गया है. तो ये देखिए आपको कैसा लग रहा है, ये ब्लैक एंड व्हाइट पेंट ऐसा आता है, ठीक है. एंड इस पेज को हम छोड़ नहीं देंगे, इस पेज के ऊपर ही हम ये एक कलर प्रिंट मारेंगे, ठीक है. तो चलो अभी अगर इसको कलर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 नंबर आइकन का सिर्फ एक बार दबा देना है,
ठीक है, ये फिर से ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज कुछ इस तरीके से आपको ये कलर प्रिंट मिल जाएगा। ऑसम गाइज, इसका जो कलर प्रिंटिंग है गाइज ये ऑसम है। ये एकदम नॉर्मल पेपर में और मैंने दोनों साइड पे एक ही चीज़ किया है, तो इसलिए शायद इसको इतना मतलब पूरा एकदम हल्का पेपर में, ये A4 साइज का पेपर है ना, इसलिए ये देख सकते हैं गाइज इतना अच्छा इतना बढ़िया प्रिंटिंग आता है इसमें। क्या बोलूँ, ऑसम फीचर्स है गाइज इसका। जो गाइज आपको रिपोर्ट करने के लिए आपको जो नंबर दिया गया है, इसका ऑसम सर्विस है। मतलब आप अगर अभी आपका कुछ प्रॉब्लम आ जाता है इस प्रिंटर के अंदर, तो आपको इंस्टेंट मतलब विद इन 24 आवर्स में आपको इसका पूरा सर्विस दिया जाएगा गाइस। तो आपको यहाँ पे आपको एक मीडियम एक कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे सीरियल नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे जो है ये पूरा फंक्शनल प्रिंटर है। इसके अंदर इसका बहुत जो लाइट मतलब इसका जो वेट है ये बहुत ही लाइट वेट है। एंड गाइस आज का वीडियो इसी तक था कि L3150 कितनी आसानी से इसको हैंडलिंग किया जा सकता है, और इसके साथ आपको एक ये प्रिंटिंग का केबल प्रिंट केबल आपको दिया जा रहा है गाइस। एंड इसका जो वाईफाई वाला का वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको इसी चैनल पे दो नंबर वीडियो पे इसको डाल दूंगा। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।